2022 बॉलीवुड का ऐसा साल था जहां सारी मूवीज एक के बाद एक पिटती चली जा रही थी, चाहे फिर वो अच्छी हो या खराब। और दिसंबर में तो एक ऐसी डिजास्टर मूवी सर्कस रिलीज हुई जिसने बॉलीवुड की नैया भैया पूरी तरीके से डुबो दी, जिसके बाद लोगों का बॉलीवुड से भरोसा ही उठ गया। इसी को देखते हुए 2023 में भी सब सोच रहे थे कि भाई बॉलीवुड उठ पाएगा या नहीं। फिर एंट्री ली बॉलीवुड के बादशाह ने, जिसने बॉलीवुड की डूबती नैया की काया ही पलट कर दी। पठान के एडवांस बुकिंग को बुक माई शो पर देखकर ऐसा लग रहा था भाई ऑरेंज कलर की होली खेली जा रही है। रिलीज के हफ्तों बाद भी लोग इतनी बार पठान देख रहे थे कि समझ नहीं आ रहा था कि इसका कलेक्शन कहाँ जाके रुकेगा। पठान के नजदीकी हफ्तों में जो जो मूवीज रिलीज हो रही थी वो थिएटर पर सही से चल भी नहीं पा रही थी पठान के कारण। और यही डर अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष को भी है, क्योंकि किंग खान की अपकमिंग फिल्म जवान ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो चुकी है, इसे किसी मार्केटिंग की कोई जरूरत नहीं है, लोग इसका बेसब्री से वेट कर रहे हैं। जवान की प्रीवियस रिलीज डेट थी 2 जून और उसके 2 हफ्ते बाद आ रही थी आदि पुरुष 16 जून को। और आदि पुरुष के VFX की ऑलरेडी भरपूर बुराई हो चुकी थी और उनको उन्होंने जिस हिसाब से अपने कैरेक्टर्स बनाए थे, अब जिसके चलते आदि पुरुष की पेड मार्केटिंग चली और जवान की पॉपुलैरिटी को कम करने की कोशिश भी। आप ढेरों यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं जहां बिना मतलब के आदि पुरुष और जवान को कंपेयर किया जा रहा है फालतू में, बल्कि जवान का तो कुछ आया भी नहीं है अभी तक, तो क्या मतलब है फालतू का कंपेयर करने का। आप जाके चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट टारगेट चल रहा है जवान पर। और अभी न्यू अपडेट ये है कि जवान अब पोस्टपोन होकर आ रही है 7 सितंबर को, और ये इम्प्रूवमेंट के चलते हुआ है, ना कि शाहरुख खान डर गए हैं अकॉर्डिंग टू ट्विटर। पर जवान के डायरेक्टर एटली कुमार रिसेंटली बोले हैं कि जवान में कुछ बड़ा सरप्राइज है और इसका ट्रेलर भी इसी मंथ में आ जाएगा और नया पोस्टर आ चुका है। और ये भी पता चला है कि इसमें शाहरुख डुअल रोल में है और ये यूनिवर्स का पार्ट भी हो सकती है, जिसमें आपको नयनतारा और विजय सेतुपति भी मेन रोल में देखने को मिलेंगी। और पहले बोला जा रहा था ना कि भाई अल्लू अर्जुन शाहरुख खान के साथ काम करने को रेडी नहीं है और मना कर चुके हैं, पर भाई उन्हें भी मुंबई में शूटिंग करते देखा गया है और मोस्ट प्रोबेबली उनका कैमियो मूवी में है। आपको क्या लगता है, क्या फालतू में जवान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जबरदस्ती का कंपेयर चल रहा है जवान और आदि पुरुष में, वो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।